जेलेंस्की के ड्रोनों के वॉर से पुतिन अपनी सेना और लोगों को बचा नहीं पाए। डेढ़ साल में जंग भले ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन की जगह बदल गई। कभी किसी तरह रूस के सामने डटे रह पाने वाले यूक्रेन ने वहां कहर बरपा दिया। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद वहां के 3 एयरपोर्ट भी कुछ घंटों के लिए बंद करने पड़े। वार्निंग मॉस्को। डेढ़ साल में युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। यकीन नहीं होता तो एक और तस्वीर देखिए। यह ऊंची इमारत रूस की आन बान शान की प्रतीक है और आपके जेहन में इसके ऊपर जेलेंस्की के शोले बनते ड्रोन की तस्वीरें भी ताजा हैं। उसी कड़ी में एक और तस्वीर देखिए। मॉस्को पर ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। रूस के मेयर ने खुद बताया है कि हमलों को देखते हुए 3 एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए बंद करने पड़े। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि मॉस्को क्षेत्र के इस तरह जिले के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के 3 एयरपोर्ट्स जिन्हें जेलेंस्की के डर ने बंद करने के लिए विवश कर दिया, उन्हें मैप पर देखिए। शेरेमेदयेव, दोमो देदोआ और वनुको। और यही क्यों, पिछले हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन हमलों से डरे रूस को अपना मॉस्को एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को मॉस्को एयरपोर्ट कई घंटों के लिए बाधित हुआ। आर्मी बेस, बाशिंदों से भरे शहर में, समंदर में, आसमान में जेलेंस्की के ड्रोनों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लहूलुहान कर दिया है। जेलेंस्की के ड्रोन हमलों को रोकने की पुतिन की सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जेलेंस्की रूस में जिस जगह चाहे ड्रोन हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की के ड्रोनों की ताकत के सामने पुतिन के बेहद तेज हमले मध्यम लगते हैं, क्योंकि पुतिन 4 मारेंगे तो शोर होगा और जेलेंस्की ने 1 भी मारा तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। यह लड़ाई 2 गैर बराबर ताकतों के बीच है, जिसका फायदा तीसरा नाटो नाम का संगठन उठा रहा है, लेकिन उसकी चर्चा यहां नहीं। यहां तो जेलेंस्की के काउंटर अटैक की काट ढूंढते रूस के जनरल की बात। За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и противорадиационная ракета ХАРМ производства.